और धीरे चलो। रोल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम उनसे लेते हैं। लगातार जो है आप दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है आप लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी है वो इतिहास के न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जनता के बीच में इतने बड़े वादे कर रहे हैं ये लोग, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। अरे भैया, सरकार ही नहीं बन रही है, आप सरकार के लिए ही फाइट में नहीं हो, आप इस तरह से घोषणा करोगे, ये तो कितना गलत है, लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। तो जनता के बीच इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इनकी घोषणा पत्र में पिछली बार जो था कि 500 रुपया हर महिला को देंगे 5 साल के शासन के लिए, मुड़ कर नहीं देखे पीछे, और इसलिए घोषणा पत्र में अभी जो बात उन्होंने कही वो मिसमैच होता है, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी जो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है वह भी बड़ा चिंता का विषय है। और सैम पित्रोदा का जो बयान है इस विषय पर है कि आप अपनी संपत्ति अपने बच्चे को नहीं देंगे, उसमें से 45% ही दे पाएंगे, बाकी वह ऐसे ही कानून यहाँ लागू होने चाहिए, ये मैच होता है उनकी तरफ से। तो वो वोट बैंक की राजनीति फिर से कर रहे हैं, ये गलत है। जनता के बीच हम लोग ये सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा की अगर बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है चुनाव मैदान में है, क्या कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं? क्या यही कारण है कि लगातार जो है बड़े नेता, भाजपा के नेता जो है यहाँ चुनावी प्रचार में जुटे हुए? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी बस्तर गए हैं, जांजगीर गए हैं, रायगढ़ गए हैं, सरगुजा गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए। तो यहाँ का मसला बिल्कुल अलग है। मैं कहते हैं अमित शाह जी का एक सभा कवर्धा में होना था, वो नहीं हो पाया है, तो ऐसा नहीं है। मसला ये है कि जो रूटीन में बड़े नेता आ रहे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल जी के आने से ये हो गया कि हम जनता को बता पा रहे हैं कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास, 2 लाख निर्माणाधीन और 16 लाख नए आवास रोक कर रखे थे, यही वो व्यक्ति हैं जो शराब के घोटाले के पीछे हैं, कोयले के घोटाले के पीछे हैं, महादेव ऐप के घोटाले के पीछे हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछली बार भयंकर वादे करके और सबको झुटला दिया था। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अजीत जोगी इसका, भूपेश बघेल जी का हारना तो तय है इसमें। लगातार यह बात भी सामने आ रही है, लोग विपक्ष जो है आरोप लगाते हैं कि लगातार मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म की राजनीति की जा रही है, उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नाम और काम नहीं है। भैया, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के झूठ से बड़ा तो कुछ झूठ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मोदी जी के बारे में हम बताते हैं कि 370 उन्होंने हटाया, 3 तलाक लेकर के विषय को हटाया, CAA को हटाया, तो हम ये भी कहते हैं कि राम मंदिर को बनवाया, इसमें क्या गलत है? मोदी जी नहीं होते तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए कहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो उस जगह का फैसला किया था कि वो जगह किसकी होगी, उस जगह पर बनना है, यह तो सरकार का पूर्ण निर्णय होकर के बात आगे बढ़ी है ना भाई। तो ये भी बताते हैं इसमें धर्म की राजनीति कहाँ पर होगी, पहला बात। और दूसरा ये है कि मोदी जी के विषय को क्यों नहीं गिनाएंगे? स्थानीय कार्यकर्ता हमारे नेता, उनके भी विषय को गिनाया जाता है, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, बहुत परिश्रम किया है क्षेत्र के विकास के लिए। कांग्रेस का एक कैडर वोट होता है, क्या यही कारण है कि भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? इसका वो काट क्या होगा आपके पास? हम लोग अनवरत इस विषय के लिए जनता के बीच में जाते रहे हैं कि जो ये प्रतिबद्ध होकर कांग्रेस को मतदान होता है ये नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पर, मैंने इस आधार पर मतदान होना चाहिए, वोट होना चाहिए, यही जनता को समझाते रहते हैं। अभी भी शायद यही कारण है उनका कि वो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। महादेव ऐप, इस पर लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घिरते और आप लोग जो है घिरते गए हैं, देखे गए हैं, क्या इसका प्रभाव भी लोकसभा चुनाव में दिखेगा? आदमी जब गलत किया होता है तो उसका नैतिक बल मर जाता है और इसीलिए वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, गलत बहुत बड़ा हुआ है। नैतिक बल अगर होता, मैं सोचता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा बल है, नैतिक बल होता तो आज भिड़ कर खड़े हो जाते और जनता भी उनके साथ खड़ी हो जाती, जाने कैसे किस विधि से, परंतु सत्य जनता तक पहुँच जाता है, जनता के हृदय तक पहुँच जाता है। हाल ही दिन में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आपने लगभग 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी और लगातार आप जो है लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपके इलाके की अगर बात करें तो लीड क्या लक्ष्य बना के रखें?
40,000 से जनता ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कम से कम 45,000 से 50,000 वोटों से संतोष पांडे जी इस चुनाव में जीतेंगे। लोकसभा विधानसभा से लोकसभा की क्या स्थिति देख रहे हैं? प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, भैया देश तो मसला बड़ा है, लेकिन प्रदेश में तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुबह पूरा जगह मैंने घूमा है, 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं और उनको विश्वास है कि प्रदेश में इस बार 11 से 11 सीट वो जीत रहे हैं। सतीश तमोली, जी मीडिया, कवर्धा।